सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बड़का भैया को और बेल आइकॉन को दबाए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी से तीसरी महामना एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज इस आशय की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री रिमोट कंट्रोल का उपयोग करते हुए इसकी शुरुआत करेंगे। यह ट्रेन अपनी पहली यात्रा पर वडोदरा से वाराणसी के बीच दौड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने रेलवे की मेक इन इंडिया परियोजना के तहत 2016 में महामना एक्सप्रेस के पहले रैक का लोकार्पण किया था। यह नई साप्ताहिक ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को वाराणसी और प्रत्येक बुधवार को वडोदरा से चलेगी। इसका रूट शिवकी, जबलपुर, इटारसी, भुसावल, जलगांव, सूरत से वडोदरा रखा गया है। न्यू महामना एक्सप्रेस का परिचालन शुरू करने के लिए उत्तर रेलवे के मुख्यालय बड़ौदा हाउस से वाराणसी जंक्शन के स्टेशन मास्टर कार्यालय को संदेश प्राप्त हो चुका है। बता दें कि यह ट्रेन देश की दूसरी महामना एक्सप्रेस होगी जो पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस की झोली में आई है। वाराणसी नई दिल्ली वाया लखनऊ के रास्ते पहली महामना एक्सप्रेस को पीएम मोदी ने लगभग 2.5 वर्ष पूर्व हरी झंडी दिखाई थी। इस ट्रेन का नंबर 20901 व 20902 निर्धारित किया गया है। ट्रेन में एक एसी प्रथम, दो एसी द्वितीय, 8 शयनयान, 4 जनरल, 1 पेंट्री कार व 2 गार्ड ब्रेकवान सहित कुल 18 डिब्बे होंगे। इस ट्रेन का किराया भी अलग श्रेणी में निर्धारित है। शताब्दी, राजधानी व दुरंतो के बाद महामना एक्सप्रेस का किराया निर्धारित किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि गुरुवार तक ट्रेन की समय सारिणी निर्धारित कर दी जाएगी। इसके बाद पीआरएस यानी पब्लिक रिजर्वेशन सिस्टम के माध्यम से बर्थ की बुकिंग शुरू हो जाएगी। मजेदार बात यह है कि दोनों महामना एक्सप्रेस में एसी थर्ड डिब्बा नहीं है। जब पहली महामना चली थी तब उत्तर रेलवे के अधिकारियों ने बताया था कि 1-2 माह में एसी थर्ड डिब्बे लगा दिए जाएंगे, पर यात्री अब भी एसी थर्ड कोच की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस तरह की अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल बड़का भैया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।